नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं R9 भारत। अब आप R9 भारत के ऐप को प्ले स्टोर से भी इंस्टॉल कर सकते हैं, साथ ही साथ R9 भारत को फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो जरूर करें। अब हम आपको सीधा ले चलते हैं मध्य प्रदेश के रतलाम पे, जहां पर डेंगू के बढ़ते प्रकोप की रोकथाम के लिए नगर परिषद ताल द्वारा शहर में डेंगू के बढ़ते प्रकोप की रोकथाम के लिए जन जागृति महाअभियान चलाया गया। इस अवसर पर मुख्य नगर पालिका अधिकारी श्री कन्हैया लाल जी सूर्यवंशी, विधायक प्रतिनिधि श्री पवन जी मोदी, इंजीनियर नरेश जी गोयल, पूर्णा शंकर जी शर्मा, शमसुद्दीन खान पाठक, सत्यनारायण चतुर्वेदी, दिलीप कल्याणो, दरोगा संदीप कल्याणे एवं समस्त नगर परिषद के कर्मचारी उपस्थित रहे। आप सभी से आग्रह है कि अपने आसपास जलजमाव और गंदगी करें और आपका छोटा सा प्रयाग डेंगू और मलेरिया की रोकथाम में अहम भूमिका निभाएगा। के द्वारा डेंगू की रोकथाम के लिए महाअभियान चलाया गया, जिसमें पूरे नगर में बीमारी फैल रही है, उसके लिए दवा एवं आदि का छिड़काव नगर परिषद सीएमओ के साथ आज हमारे द्वारा किया गया है। हम चाहते हैं कि इस नगर में भी गंदगी हटे और स्वच्छ नगर बने और डेंगू से यह ताल मुक्त हो। R9 भारत के लिए पीसी सेन की रिपोर्ट, रतलाम। विगत दिनों छिंदवाड़ा जिले के तामिया ब्लॉक के कुछ सचिवों द्वारा झूठी शिकायत करते हुए जिले के पत्रकार राजेंद्र गुनेगर, रंजीत पासवान, अमन डेहरिया के नाम पर तामिया थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई गई है, जिसका पत्रकार बंधु खंडन करते हुए पुरजोर विरोध कर रहे हैं एवं हम पत्रकारों की बात आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। ये कि हम आवेदक गण भिन्न भिन्न समाचार पत्रों के प्रतिनिधि गण हैं। हम पत्रकारों को चौथा स्तंभ माना जाता है, क्योंकि पत्रकार गण भी समाज में घटित घटनाओं को, समाज में अच्छाई और बुराइयों को प्रकाशित कर जनता तक पहुंचाने का काम करते हैं। जिले में शासकीय योजनाओं के संचालन में कुछ सरपंच, सचिव एवं अन्य पदाधिकारियों की मिलीभगत से लाखों करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार किया जाता है, जिसकी शिकायत ग्रामवासी अन्य माध्यमों से जानकारी मिलने पर इसकी रोकथाम हेतु विरोध एवं समाचार पत्रों में प्रकाशन किया जाता है। विगत दिनों ग्राम पंचायत भोनाखेरी में सहायक सचिव एवं समन्वयक की मिलीभगत से 23 लोगों को जिंदा मारकर शासकीय योजना का लाभ सचिव द्वारा दिया गया, जबकि पत्रकार बंधु या ग्राम सतर्क या जागरूक नहीं होते तो ये भ्रष्टाचार उजागर नहीं हो पाता। समाज में हो रहे ऐसे भ्रष्टाचार को रोकने के लिए किसी न किसी व्यक्ति को आगे आना होगा। यदि समाज का चौथा स्तंभ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए भ्रष्टाचार को उजागर करते हैं, तो क्या यह अपराध की श्रेणी में आता है, जो कि वास्तव में पत्रकारों द्वारा चाही गई जानकारी में लाखों का भ्रष्टाचार हुआ है। इस भ्रष्टाचार को उजागर हुआ देखकर भ्रष्ट सचिवों द्वारा गलत आरोप लगाए हुए आर्थिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है, क्योंकि हम लोग इस प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से चाही गई जानकारी की जांच सक्षम अधिकारी से कर उनका प्रकाशन सभी समाचार पत्रों में भी किया जाए। माध्यम से चाही गई जानकारी की जांच सक्षम अधिकारी से कर उनका प्रकाशन सभी समाचार पत्रों में भी किया जावे, ताकि भ्रष्टाचार की जानकारी आम जन तक पहुंच सके। अतः सभी समाच पत्रों के संपादक महोदय से निवेदन है कि इस समाचार को अपने समाचार पत्र एवं चैनलों में प्रकाशित करने का कष्ट करें। आज कार्यालय में समक्ष में कुछ पत्रकारों द्वारा तामिया क्षेत्र के कुछ पंचायत सचिवों के विरुद्ध एक आवेदन दिया गया है, जिसमें सीएम हेल्पलाइन में इनके द्वारा की गई शिकायतें और उसका निराकरण न करते हुए इनको अनावश्यक दबाव डालना और अन्य तरह की शिकायत लिखित आवेदन पत्र दिया गया है। मामले की जाँच की जा रही है और जाँच में जो भी तथ्य सामने आएंगे उसमें कठोरतम नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। भी पत्रकार बंधु जो है एसपी महोदय जी के पास में ज्ञापन लेकर आए थे, इस आशय से आए थे कि जनपद पंचायत के जो सचिव लोग हैं वो झूठी शिकायत हमारे पत्रकार साथियों के ऊपर किए हैं। इसकी जानकारी हमें थाने से तो प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन व्हाट्सएप पे हमको देखने को मिला, इसलिए हम लोग जो है माननीय एसपी महोदय को ये शिकायत की जो है कॉपी हम लोग प्रस्तुत किए हैं और हम लोग एसपी महोदय जी से मांग किए हैं कि इस विषय में जांच होनी चाहिए और जो सचिव जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं और अपने को बचाने के लिए हमारे पत्रकार साथियों के ऊपर झूठा आरोप लगा रहे हैं, सर उनकी जांच होनी चाहिए और कार्रवाई होनी चाहिए। इसी बात को लेकर हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं और माननीय एसपी महोदय जी ने हम लोगों को आश्वस्त भी किए हैं कि आप लोग जो पत्रकार साथी हैं आप अच्छे काम कर रहे हैं, उसका हम भी समर्थन करते हैं और आप लोग कोशिश करना कि किसी प्रकार से कोई ऐसा ना हो और यदि कोई सचिव आपको घूस देने की या कोई ऐसा बात करता है तो उसकी बात को टेप करके और ये चीज़ को उजागर करें। इसलिए हम लोग जो है यहाँ पे एसपी महोदय को ज्ञापन देने आए हैं।
आर9 भारत के लिए मोहम्मद अल्ताफ की रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं आर9 भारत। अब आप आर9 भारत के ऐप को प्ले स्टोर से भी इंस्टॉल कर सकते हैं, साथ ही साथ आर9 भारत को फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो जरूर करें।